नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप वर्धने, कार्डियोलॉजिस्ट, और आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जैसा कि सभी जानते हैं कि नेक के बारे में, कुछ नेक से रिलेटेड है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स को जब मैं पूछता हूँ कि आपको स्पॉन्डिलोसिस है क्या, तो वो हमेशा बोलते हैं कि हाँ, मुझे पीठ में या नेक में दर्द होता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस होता है। तो इसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पे, यानी जो यहाँ पे जो सर्वाइकल वर्टिब्राज है उसमें जो स्पॉन्डिलोसिस होता है, उसके बारे में आज हम बात करें। तो सबसे पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में होता क्या है और ये क्या बीमारी है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी आपकी जो नेक की हड्डियाँ है, गर्दन की हड्डियाँ है, उसमें दर्द होता है, उसमें झुनझुनाहट लगती है, मूंगी या चींटी काटने जैसा लगता है, कुछ तो एबनॉर्मल सेंसेशन लगता है, ऐसी मूवमेंट करने पे चक्कर आने लगता है कुछ लोगों को ऐसी मूवमेंट करने पे दर्द होता है, कुछ लोगों को ऐसी मूवमेंट करने पे अस्वस्थता या स्टिफनेस जैसा लगता है, कुछ लोगों को हेडेक होने लगता है, कुछ लोगों को हाथ में या शोल्डर में यहाँ पे झुनझुनाहट लगती है, कुछ लोग में ऊपर पार्ट के बैक में दर्द होने लगता है। ये कुछ उसके रोग लक्षण सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इसके साथ में कुछ अनयूजुअल रोग लक्षण, जैसे कुछ लोगों को छाती में दर्द जैसा लगता है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में यहाँ पे छाती में दर्द लगता है। कुछ लोग इसको हार्ट अटैक भी समझ लेते हैं। काफ़ी सारे मेरे साथ में पेशेंट आते हैं कि जिनको अचानक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, पहली बार होता है, तो उनको लगता है कि हार्ट अटैक हो गया कि क्या। अभी मुझे एक बार 25 साल की एक फीमेल आई थी, उनको अचानक से ऐसा यहाँ पे दर्द होने लगा था और उनको लगा कि शायद मुझे हार्ट अटैक का दर्द है। वो भागी भागी दौड़ती रिलेटिव्स के साथ में इमरजेंसी में आई, ECG करवाया, ECG नॉर्मल था, इको करवाया, इको भी नॉर्मल था, कार्डियक मार्कर्स, बाकी फिजिकल क्लिनिकल इवैल्यूएशन पे लगा कि कार्डियक कुछ नहीं। जब लोकल एग्जामिनेशन पे पता चला कि पेशेंट को यहाँ पे जो है वो डिस्क स्पेस थोड़ी सी, उसमें कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस आए हैं, ऑर्थो ओपिनियन लिया, उन्होंने कुछ मेडिसिन दे, उसके बाद में वो ठीक है। यानी सर्वाइकल स्पेस जो स्पॉन्डिलोसिस है, वो बहुत कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स के साथ में भी आपको प्रेजेंट हो सकता है, आपको उसमें तकलीफ हो सकती है। तो ये हो गए। अभी उसमें क्या करना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है कि हार्ट अटैक है। तो सबसे पहले ECG, बेसिक टेस्ट ECG है, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन है। उसमें आपको पता ही चल जाएगा कि सच में कुछ आपको तकलीफ है कि नहीं, है ना। तो ये चीजें हैं जिससे आपको पता चलेगा। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि क्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ये अचानक होने वाली बीमारी है, तो नहीं, ये एज के हिसाब से डिजेनरेटिव चेंजेस, यानी जो वियर एंड टीयर जिसे हम बोल सकते हैं, बॉडी का, नेक का, गर्दन की हड्डियों का, उसके कारण होती है। तो जनरली ये उम्र के हिसाब से ज़्यादा, जो उम्र दराज लोग रहते हैं 60 के बाद में, 50 के बाद में, उनको होती है। लेकिन आज के लिए 30 के उम्र में, 40 के उम्र में भी हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम, विटामिन डी, बाकी जो न्यूट्रिशन है, पोषण आहार जो है, वो बहुत लो क्वालिटी का हो चुका है, पुअर क्वालिटी का हो चुका है। इसलिए 30 साल में भी, 40 साल में भी लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है, उनका डिस्क स्पेस बढ़ रहा है, डिस्क में डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं और पेशेंट को रोग लक्षण आ रहे हैं। तो इसके कारण सतर्क रहना जरूरी है। अभी आप बोलोगे कि समझो डॉक्टर साहब, मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होना ही नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होना ही नहीं चाहिए, इसके लिए आपको हमेशा आपका पोस्चर अच्छा रखना चाहिए, स्ट्रेट पोस्चर रखना चाहिए, नेक की एक्सरसाइज करके देखनी चाहिए, थोड़ा सा 10-15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा स्क्रीन के टाइम में, कंप्यूटर के साइड में अगर आप बैठे हैं तो बीच में एक थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, यानी जिसे स्क्रीन हॉलीडे, स्क्रीन शटडाउन हम बोलेंगे, वैसा कुछ करना चाहिए। TV देखते टाइम पे, थिएटर में बैठते टाइम पे, उठते बैठते टाइम पे, लिखते टाइम पे, पोस्चर हमेशा स्ट्रेट, कंधे सीधे ऐसा रखना चाहिए ताकि आपको तकलीफ ना हो। हमेशा चेयर एक अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी चाहिए, बैक सोते टाइम पे भी थोड़ा सा छोटा सा पिलो यूज़ करना चाहिए। जितना ज़्यादा पिलो यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा गर्दन को टेढ़ा रखना पड़ेगा, सीधा नहीं रखना पड़ेगा, उतना ज़्यादा तकलीफ होने के चांसेस है। तो ये सब चीज़ें, बहुत बार क्या होता है कि आई साइट में भी प्रॉब्लम होता है, तो लोग ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं नेक को, तो वो भी नहीं करना चाहिए। अगर आईसाइट में कुछ प्रॉब्लम है
तो तुरंत आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बहुत कभी कभी कुछ मस्कुलर स्पाज़म होते हैं, मस्कुलर स्पाज़म को लोग ट्रीटमेंट नहीं लेते, उसके बाद में ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस जैसे रोग लक्षण आते हैं। कभी कभी कैल्शियम विटामिन डी की मात्रा बहुत कम होती है, ऑस्टियोफाइट्स एक्सरे में दिख रहे तो भी लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो आगे चल के ये रोग लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। फिर चक्कर आना, झुनझुनाहट होना, गर्दन में दर्द होना, ये रोग लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। तो अर्ली स्टेज में अगर आप उसकी ट्रीटमेंट लेते हैं एक अच्छे ऑर्थोपेडिशियन से, अच्छे हड्डी के डॉक्टर के साथ में जाके, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये कुछ तकलीफ हो रही है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे मेन कोई भी बीमारी के लिए मैं बोलता हूँ कि जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपको कोई बीमारी है, तब तक वो बीमारी को डॉक्टर क्या भगवान भी ट्रीट नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में और कुछ जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर, एक पिछला भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, वो भी जाकर देख सकते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस न हो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें बताई है। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में और कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके बारे में और कुछ आप जानना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते। अभी ट्रीटमेंट क्या है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का? तो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले ट्रीटमेंट में यह है कि आपको कुछ पेन किलर या मसल रिलैक्सेंट दिए जाएंगे। उससे अगर नहीं होता है तो कुछ बेल्ट आपको दे सकती है, कुछ आपको आइस पैक या बाकी कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए दिए जा सकते हैं। उसके बाद में अगर उसमें ऐसे चेंजेस है कि जो दवाई से ठीक ही नहीं हो रहे, लोकल एप्लीकेशन के ठीक नहीं हो रहे, फिजियोथेरेपी आपको कराएंगे। फिजियोथेरेपी रेगुलर करना जरूरी है। कुछ नेक एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज आपको बताएंगे, वो आप कर रहे तो भी ठीक नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन है सर्जरी, तो सर्वाइकल स्पाइन की सर्जरी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी सर्जरी तक जाना ही नहीं चाहती है, दवाई से काम कराना चाहते हैं, तो साथ में आपको आपका पोस्चर ठीक रखना है। आपके जब आप स्क्रीन के टाइम पे ज़्यादा टाइम होते हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना है, थोड़ा सा नेक एक्सरसाइज करते रहना है, थोड़ा सा जितना आप जितना स्ट्रेट पोस्चर, करेक्ट पोस्चर रखेंगे, करेक्ट वे चेयर यूज करेंगे, बेड पे सीधा सोएंगे, उतना आपके लिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसका डायग्नोसिस यानी रोग निदान कैसे होते हैं? तो सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे होता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे यानी पेशेंट को देख के उसके रोग लक्षण देख के हम बताते हैं कि इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होते हैं क्या। और हार्ट अटैक के बारे में मैंने पहले ही बताया कि हार्ट अटैक के साथ में ये कंफ्यूज हो सकता है, तो जरूर एक बार ऐसे रोग लक्षण रहे तो एक बार ECG भी करा लेना चाहिए ताकि अपने को पता चल सके कि ये हार्ट अटैक से रिलेटेड बैक पेन या चेस्ट पेन तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी इसमें चेस्ट पेन भी हो सकता है, डर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी डर के कारण भी चेस्ट पेन होने लगता है, तो ये सब चीजें रहती हैं। तो जरूर ये हो गई सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अगर इसके बारे में और कुछ जानकारी आप चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस पे और कुछ डिटेल में जानकारी देने के लिए मैं और एक कोशिश करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। तो जरूर मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रदीप वर्धनी कार्डियोलॉजिस्ट से जुड़े रहिए और बताइए कि क्या करना चाहिए जिससे कारण लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट अटैक के बारे में, लाइफस्टाइल इश्यूज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं अवेयर कर सकूं, उसके बारे में आपके साथ में कुछ आपके दिमाग में कुछ आइडिया होगी, कुछ टिप आप मुझे देना चाहते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में मैं पहुँच सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, CPR कैंप आयोजित कर रहे हैं, लोगों को ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ के बारे में कुछ फ्री कैंप हम उसके लिए डिटेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच होने का हमारा मकसद है। तो ज़रूर आपके साथ में कुछ आइडिया हो, कुछ आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो, चंद्रपुर में महाराष्ट्र में ये एक सिटी है वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो आप मुझे ज़रूर मदद कर सकते। थैंक यू, धन्यवाद।